हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स ऑनलाइन क्लासेज। आई एम मंसूर अहमद। एज यू नो, आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन अबाउट द शेक्सपियर पोएम द सेवन एजेस ऑफ ए मैन। टुडे आई हैव ब्रॉट ए न्यू स्टैंजा फॉर यू। लेट्स बिगिन एंड सो इट्स एक्सप्लेन लाइन टू लाइन। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन द लवर, then the lover, the poet conveys that the third stage is lover, as a lover. Okay students, the third stage is as a lover. Let's see its characteristics. Sighing like furnace means फर्नेस, साइंग, साइंग का जो सेंस है वो आहे भरना, लाइक फर्नेस, लाइक फायर। ठीक है, जो लवर है वो आहे भरता है किसकी तरह, लाइक फर्नेस, आग की तरह या भट्टी की तरह कहा गया है। विथ अ बफल ब्लड, बफल ब्लड मीन्स सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग मतलब जो लवर है वो अपनी मिस्ट्रेस के लिए क्या करता है, सैड सॉन्ग, जो सैड सॉन्ग है वो गाता है। अकेला जो ब्लाड है वो प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उसे भी कहा जाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस मिस बिलव्ड, बिलव्ड ऑफ द लवर यानी अपनी जो प्रेमिका है उसकी आईब्रो की तारीफ में, प्रशंसा में वो क्या करता है, गीत गाता है। कौन? लवर। लवर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें शो की जा रही है कि लवर है वो साइंग करता है फर्नेस की तरह, आग की तरह अंदर से जलन होती है उसमें, जलता है वो, और अपनी जो बिलव्ड है, अपनी जो मिस्ट्रेस है, प्रेमिका है, उस प्रेमिका की जो आईब्रो है उसकी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। ओके स्टूडेंट्स, सैड सॉन्ग गाता रहता है। आगे देखिए, देन द सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड सोल्जर, सोल्जर स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, द पोएट इज कन्वेइंग दैट द फोर्थ स्टेज ऑफ ए मैन अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इज एज ए सोल्जर, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ। स्ट्रेंज ऑथ मीन्स एब्यूजिंग लैंग्वेज, मतलब गाली गलौच वाली जो भाषा होती है उसे कहा जाता है। जब एक सोल्जर के रूप में कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो वो स्ट्रेंज ऑथ करता है। स्ट्रेंज ऑथ को हम अजीबोगरीब कसमें खाना ही बोल सकते हैं। ऑथ का मतलब कसमें खाना, कसम लेना। तो अबिजिंग लैंग्वेज का यूज करता है। एंड पेडेड लाइक द पर्ड, पर्ड मीन्स लेपर्ड। ओके, पर्ड मीन्स लेपर्ड। और जो सोल्जर है उसकी जो बेडेड है, दाढ़ी है, वो कैसी बताई जा रही है, तेंदुए की तरह, लेपर्ड की तरह। ओके स्टूडेंट्स, जेलस इन ऑनर, ही कीप्स जेलस फीलिंग टूवर्ड अदर्स, यानी दूसरों के प्रति वो क्या करता है, जलन की भावना अपने अंदर रखता है। हर इंसान की फितरत ही हैबिचुअल है। तो जेलिस इन ओनर, ओनर का मतलब सम्मान की भावना के लिए कौन सी फीलिंग रखता है, जेलिस, दूसरों का सम्मान देख के क्या करता है, वो जलने लगता है। सडन एंड क्विक इन क्वरल, सडन एब्रप्टली, क्विक तुरंत, इन क्वरल झगड़े के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ओके, सिकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन मीन्स टेम्प्रेरी इमेज, टेम्प्रेरी इमेज यानी थोड़ी सी इज्जत के लिए वो क्या करता है, इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ मीन्स द माउथ ऑफ फायर, माउथ ऑफ फायर
तो अपने जीवन को खतरे में डाल देता है जरा सी इज्जत प्राप्त करने के लिए। किसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है? ये सोल्जर की है। तो सोल्जर के लिए बबल रेपुटेशन मीन्स टेम्परेरी इमेज, और कैनन्स माउथ, माउथ ऑफ फायर, और डेंजरस माउथ यानी खतरे में अपनी जो जान उसको डाल देता है थोड़ी सी इज्जत प्राप्त करने के लिए, अजीबोगरीब कस्में खाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज ये जो दो स्टेज है थर्ड और फोर्थ इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो फर्दर स्टेजेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।